गाइस, कैसे हैं आप। मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको लोटस हर्बल ब्रांड के प्रो ब्राइट इल्यूमिनेटिंग रेडियंस एक्सफोलिएटर फेस वॉश के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये फेस वॉश आपके स्किन को, आपकी त्वचा को किस तरीके से फ़ायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, इन सब के बारे में। इससे पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं अपन लोटस हर्बल ब्रांड के प्रो ब्राइट इल्यूमिनेटिंग रेडियंस एक्सफोलिएटर फेस वॉश के बारे में। गाइस लोटस ब्रांड के बारे में तो आप जानती हैं, काफ़ी अच्छा जाना माना ब्रांड है। लोग बाग इस ब्रांड से काफ़ी अच्छे से अवगत भी हैं और इससे पहले आपने वीडियो में देखा भी होगा, हमने आपको इस ब्रांड के काफ़ी सारे प्रोडक्टों का रिव्यू किया है। तो गाइस लोटस हर्बल प्रो ब्राइट इल्यूमिनेटिंग रेडियंस फेस वॉश के अलावा आपको मार्केट में इसका सीरम भी मिल जाएगा, इसकी नाइट क्रीम और जो डे और नाइट दोनों प्रकार की जो क्रीम है वो भी आपको मार्केट में इजीली तरीके से मिल जाती हैं। तो गाइस उसी प्रकार से ये फेस वॉश है जो कि आपकी त्वचा को एकदम सॉफ्ट और ब्राइट बनाने में मदद करता है। गाइस अगर आपकी त्वचा पर बहुत ही ज़्यादा डलनेस है, आपकी त्वचा बहुत ही ज़्यादा डल दिखाई दे रही हो या फिर डार्क स्पॉट हो रहे हो तो आप इस फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गाइस आपकी स्किन को एकदम ब्राइट बनाएगा और आपके जो इवन कॉम्प्लेक्शन देगा, यानी कि इवन टोन देगा आपके चेहरे पर, और जो डार्क स्पॉट हैं उन्हें पूरी तरीके से रिमूव करेगा। स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण हैं जो कि आपके स्किन से बैक्टीरिया को हटाने में मदद करते हैं, उन्हें पूरी तरीके से रिड्यूस करने का काम करते हैं। और भी गाइस इसका एक बेनिफिट और ये है कि ये अल्ट्रावायलेट किरणों से भी आपकी स्किन की रक्षा करता है। अल्ट्रावायलेट किरणें गाइस आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होती हैं, तो उसके लिए भी ये फेस वॉश आपके लिए बेस्ट रहेगा। और गाइस ये ऑल स्किन टाइप है, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो या ऑयली हो, किसी भी स्किन टोन वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को नेचुरली फ्लोलेस ग्लो देगा, एकदम फ्लो ग्लो आएगा आपके चेहरे पर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक दिखाई आप देंगे। इसके अंदर गाइस जो इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। किसी भी प्रकार का इसके अंदर पैराबीन्स या जो सिलिकॉन्स होता है इसके अंदर वो नहीं है जो आपकी स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट करें, बल्कि ये आपकी स्किन को एकदम हेल्थी बनाए रखने में मदद करता है, सॉफ्ट बनाता है, ब्राइट बनाता है। काफ़ी अच्छा है गाइस ये फेस वॉश। नियमित रूप से आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके त्वचा संबंधी सभी समस्याएं दूर होंगी। नियमित रूप से लगाना है गाइस सुबह शाम इस फेस वॉश से, अपने चेहरे को वॉश कर रहे हैं और अब मसाज करें गाइस इस फेस वॉश से। ऐसे नहीं आपने चेहरे पर लगा लिया बस हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ी देर तक तो अपनी उंगलियों से अपने चेहरे की मसाज करें जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहेगा और फिर अपने चेहरे को धो लें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस। अगर अपन इसके प्राइस की बात करें तो इसके जो 100 ग्राम का जो ट्यूब हैगा वो 295 रुपये में आपको मिल जाएगा। अफोर्डेबल प्राइस है गाइस, आप इजीली तरीके से अफोर्ड भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो गाइस आप इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन से, या फिर गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी शेयर किया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी परचेज कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे गाइस आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस आपके स्किन के लिए, आपके चेहरे के लिए। जो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो ऐसे इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करते हैं, आपको इवन टोन देने में मदद करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये आपके चेहरे के लिए। ये गाइस आपके चेहरे को एक ही बार में रेडिएंट और गोरा और सुंदर नहीं बनाएगा, धीरे धीरे ये आपकी त्वचा की जो नेचुरल ग्लो है उसे आपके पास लेके आएगा, आपके चेहरे को जो नेचुरल ग्लो देगा, जो आपका होना चाहिए वो ग्लो आपके चेहरे को ये देगा। वैसे तो गाइस इस फेस वॉश का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसे लगाने के बाद अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो, जैसे कि चेहरे पर खुजली होना इस प्रकार का अगर आपको फील हो, तो उसी टाइम इसे लगाना बंद कर दें और डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें कि आपको इसी से एलर्जी हुई है या फिर इसका कोई अन्य रीजन है गाइस, या फिर अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो तो भी डॉक्टर से कंसल्ट के बिना इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे।
फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।